हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं झारखंड की स्टडी का, झारखंड के दर्शन का। और मैं आप सभी को झारखंड का दर्शन कराऊंगा, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों का दर्शन कराऊंगा। मैं आप लोगों को झारखंड का स्टडी टॉपिक वाइज कराऊंगा। जैसा मैंने पहली अपने इंट्रोडक्शन क्लासेस में बोला था कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज स्टडी के दौरान में इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जो भी सेक्शंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सभी सेक्टर का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट और जो भी फैक्ट्स और फिगर है उनको कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आपके पास फिलहाल दो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी है झारखंड सचिवालय का, जिसका फॉर्म भरा चुका है और उनका एग्जाम होने की तिथि का घोषणा कभी भी किया जा सकता है, आपको सतर्क रहनी है। दूसरा है जेपीएससी ने अपना कैलेंडर इशू कर चुका है और उसके लिए भी आप लोगों को काफी सतर्क रहना है, क्योंकि उनके शेड्यूल काफी शॉर्ट है। 2-3-4 महीने के अंदर में पूरा प्रोसेस क्लियर करने के बारे में कमीशन सोच रहा है। यदि हम इस दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रखें या रिलेटेड कोई भी झारखंड से संबंधित एग्जाम, चाहे वो एसआई दरोगा रहे या वनरक्षी रहे या पंचायत सचिव का रहे या टीचर से रिलेटेड ही क्यों ना रहे, झारखंड से संबंधित प्रश्नों की उसमें प्रमुखता होती है और काफी प्रश्न होते हैं जो झारखंड से रिलेटेड ही आते हैं। और वर्तमान सिलेबस यदि हम लोग देखें झारखंड सीजीएल की, तो इनमें से आपको 30 प्रश्न मिलते हैं आउट ऑफ 120 प्रश्न में, और यदि हम इसको परसेंटेज निकालते हैं तो वो 25% हो जाती है। तो आप लोग देखें कि रिजल्ट को बनाने में ये 30 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर यदि हम लोग देखें जेपीएससी में, तो यहां पर तो जो पेपर टू है, ये पेपर टू में 100 क्वेश्चंस तो केवल झारखंड से रिलेटेड ही आते हैं। यदि फिलहाल हम झारखंड के इन दो एग्जाम्स को ही ध्यान में रख करके चलें, तो झारखंड का क्वेश्चन सक्सेस के लिए, गेटवे को पास करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उनमें से आप लोगों को इस काबिल बनाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग यहां पर जो 30 क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनमें से अप्रोक्स 28 क्वेश्चंस आप लोग कवर कर पाएं, 28 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएं। और यदि आप लोग इस जगह पर देखें तो यहां पर कम से कम आप लोग 85 प्लस क्वेश्चंस आप लोग सही सही बना पाएं। मैं इन्हीं दो लक्ष्यों को लेकर के जो भी वीडियो बनाऊंगा उनमें से मैक्सिमम कंटेंट को कवर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे वीडियोज के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को काफी फायदा होने वाला है। यदि इसी संदर्भ में हम लोग देखें तो आज हम झारखंड के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को जानेंगे, बेसिक डिटेल्स को जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं झारखंड का बेसिक डिटेल्स। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि झारखंड है कहां। यदि हम इस प्रश्न का आंसर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो झारखंड का लोकेशन विश्व में उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इस जगह पर आप लोग इंडिया देख सकते हैं और यहां पर झारखंड है, तो इस जगह पर आप लोग झारखंड को देख सकते हैं। तो ये कहां पर पड़ती है, पूरे गोला में, उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एक बार प्रश्न पूछा गया कि झारखंड किस गोलार्ध में पड़ता है और उसका आंसर था उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग इसके लोकेशन से स्पष्ट कह सकते हैं कि जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और इसी प्रकार यदि हम लोग देखें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको
इस जगह पर झारखंड मिलेगा। और इसको भी यदि हम लोग देखें कि किस पार्ट में झारखंड आता है, तो ये पार्ट भी क्लियर कट इंडिकेट करता है कि झारखंड भारत का एक उत्तरी भारत का राज्य है और ये भी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में आते हैं। तो स्पष्ट है कि यदि हम लोग देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें भी क्या है, ये उत्तरी भारत में आता है या उत्तरी पूर्वी भारत में आता है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड भारत में कहां पर है, और यदि ऑप्शन में आपको उत्तरी पूर्वी भारत दिखे, तो आप लोग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि झारखंड का हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी हो, यदि हमें झारखंड का एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी हो, तो फिर हम लोग चले जाते हैं कि विश्व के किसी भी स्थान का या देश का एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने यदि हमें प्राप्त करना है, तो हम अक्षांशी और देशांतरी अवस्थिति का सहारा लेते हैं। और इसी संदर्भ में यदि हम लोग झारखंड को भारत की अक्षांशी स्थिति में देखें, यहां पर जो पड़ी लाइनें हैं, इस पड़ी लाइनों को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, और ये जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। तो पड़ी लाइन और खड़ी लाइन को हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा क्रमशः कहते हैं। तो इस संदर्भ में यदि हम लोग देखें, तो इस जगह पर जो अक्षांश रेखा है और जो अक्षांश रेखा आपको इस जगह पर मिल रही है, इस अक्षांश रेखा की जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के ये 25 डिग्री 18 मिनट तक फैली है, यह अक्षांशीय विस्तार है। और यदि हम लोग देशांतरी स्थिति यदि देखें, इस प्रकार से देशांतरी स्थिति यदि हम लोग देखें, तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री और यहां पर हम लोग देखते हैं 57 मिनट तक ये है। अब वहां पर दो चीजें स्पष्ट हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन कि जो झारखंड की अवस्थिति है वो 21 मिनट 58 सेकंड 58 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक है, और देशांतरी स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 10 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 सेकंड है। याद रखना काफी डिफिकल्ट है, नहीं काफी आसान है। यदि आप इनको दो मोबाइल नंबर की तरफ से याद रखें, जैसे कि यदि हम लोग एक्ट लोकेशन में अक्षांशी विस्तार देखें, अक्षांशी विस्तार, तो क्या हमें मिला 21 58 10 25 18 10 डिजिट का रखें, और यहां पर देखो ये आपका दक्षिणी भाग का अक्षांशीय इंडिकेशन है और 25 18 जो है वो उत्तरी भाग का अक्षांशीय इंडिकेटर है। और इसी तरीके से यदि हम लोग देशांतरी विस्तार देखें, तो देशांतरी विस्तार को भी हम लोग इसी तरह से देख सकते हैं, 83 19 10 87 57 और फिर इसी तरीके से 83 1910 टू 87 57। तो इस प्रकार से आप लोग दो मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं, 21 58 10 25 18 83 19 10 87 57, और इस प्रकार से अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति आपको पता चल जाएगा। वन मोर पॉइंट जो आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है वो कि देखो यहां पर 83 से लेकर 87 तक है, यानी कि यदि कितना से कितना तक गैप कितना है 4 डिग्री का, और यहां पर भी यदि देखें इंटरेस्टिंग चीज है कि 21 से 25 के बीच में भी गैप कितना है 4 डिग्री का, यानी कि जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो अक्षांशीय डिफरेंस है वो 4 डिग्री, और जो पश्चिमी से पूर्वी देशांतर के बीच में भी जो डिफरेंस है वो भी 4 डिग्री। कहने का मतलब है कि यदि हम इसकी आकृति देखें तो एक यह चतुर्भुजाकार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका जो आकार है वो किस प्रकार है, चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार जब हम आकृति देखते हैं तो दो प्रश्न हमारे सामने में आती है कि आखिरकार झारखंड की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। तो यदि हम लोग देखें यहां से यहां तक, यानी कि 83 19 10 से 87 57 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो है 463 किलोमीटर,
और यदि हम लोग देखें कि 21:58 से 25:18 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस है 380 किलोमीटर। क्लियर है कि यदि हम लोग देखें डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ में आपको 380 किलोमीटर मिलेगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन यदि हम लोग ईस्ट टू वेस्ट देखें, ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको 463 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के बीच का ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहां पर जब लंबाई और चौड़ाई हमको पता चल जाती है कि इतना लंबा है इतना चौड़ाई है, तो एक और प्रश्न हमारे पास में आती है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ झारखंड जो है ये कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, ये झारखंड का एरिया है। और यदि हम लोग इंडिया के एरिया से इनको कंपेयर करें तो ये 2.42% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया ये है। तो प्रश्न यहां से एक पूछा जाता है कि जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो आप लोग क्लियर बता सकते हैं कि ये 2.42% है। यदि आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण झारखंड का डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग 380 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम कितना है 643 किलोमीटर, आकृति कैसा है, चतुर्भुजाकार, इस तरह के तमाम प्रश्नों का आंसर आप लोग यहां से आसानी से दे सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब झारखंड का क्षेत्रफल जो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, यदि पूरे भारत के सभी राज्यों का एरिया वाइज हम इंडेक्स बनाएं, एक रैंक बनाएं, तो झारखंड का जो स्थान है वो कितना आता है। तो आप जब रैंक बनाइएगा तो एरिया वाइज जो आएगा वो इसका 15th पोजीशन आएगा, यानी कि जो पोजीशन आएगा एरिया वाइज में वो आएगा 15th पोजीशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड का कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे, लेकिन झारखंड को हम लोग एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यदि हम ये देखें कि झारखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, हम लोग स्थानीय भाषा में कहते हैं कि झार बताओ झारखंड की चौहद्दी क्या है, हमेशा यह फेमस प्रश्न है जो बुजुर्गों के द्वारा पूछा जाता है बच्चों को कि बताओ झारखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है, हम लोग जानते हैं। और ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि बताओ झारखंड के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये तमाम तरह के प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आसान रहती है, लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ झारखंड के पश्चिम में कौन है, और ऑप्शन ए में दिया गया है छत्तीसगढ़ और बी में दिया गया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है ये और बी दोनों, और डी में कोई नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो गलती कर बैठेंगे, कोई छत्तीसगढ़ मार करके बैठ जाएंगे, प्रमुख राज्य है छत्तीसगढ़, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये और बी दोनों है, क्योंकि जो पश्चिम साइड में है, मैं आपको बताऊंगा लोकेशन पर कि उत्तर प्रदेश भी पश्चिम साइड में ही झारखंड का पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों झारखंड के पश्चिम में है। तो कुल मिलाकर के देखें कि इस जगह पर बिहार है, यहां पर उत्तर प्रदेश गढ़वा जिला से सटती है, इस जगह पर आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, यहां पर आपको उड़ीसा मिलेगा, और इस साइड में इसको वेस्ट बंगाल मिलेगा। स्पष्ट है कि झारखंड के उत्तर में कौन है, भौगोलिक विस्तार यदि हम लोग देखें तो उत्तर में कौन है, बिहार है, जिससे होकर के झारखंड अलग हुआ है। दक्षिण में यदि हम लोग देखें तो दक्षिण में कौन है, ओडिशा है। यदि हम पूरब में देखें तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और यदि हम लोग पश्चिम में देखें तो पश्चिम में कौन है, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश।
अब देखिए एक प्रश्न यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ झारखंड कितने राज्यों से घिरा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के कितने पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। टोटल यदि हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 यानी कि पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, तो कुल जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य कितना है झारखंड का, पड़ोसी राज्य है 5। लेकिन एक प्रश्न मैं ये पूछूं कि बताओ झारखंड कितने राज्यों कितने जिलों से घिरा हुआ है, हो गया काफी क्रिटिकल क्वेश्चन। ये तो पता था कि झारखंड 5 राज्यों से घिरा है, लेकिन ये नहीं पता है कि झारखंड कितने जिलों से घिरा है। ये अभी तक प्रश्न पूछा भी नहीं गया है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि जो झारखंड का पड़ोसी जिले हैं वो कितने हैं, 20 है। झारखंड में कुल पड़ोसी जिलों की संख्या कितना है, 20 है। और मैं बताऊंगा आपको वो 20 के 20 जिले कौन है जिससे होकर के झारखंड घिरा है। ये इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए भी क्योंकि बिहार एसआई जो झारखंड एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें से ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड का जो चतरा जिला है वो बिहार के किस जिले से सटा हुआ है, और उसका आंसर था गया जिला। यदि इस प्रकृति के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि झारखंड पड़ोसी राज्यों के किस किस जिले से घिरा हुआ है। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो झारखंड से सटा हुआ नहीं है। तो इस तरीके का प्रश्न का आंसर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, हमको मिल जाएगा जब हम झारखंड के इर्द गिर्द के सारे जिलों के बारे में जानेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवाइज करने में आसान होगा। ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो झारखंड से घिरे हुए पड़ोसी जिले हैं उन सारे जिलों को, अब देखिए ये है आपका झारखंड, ये है आपका झारखंड राज्य। और यदि हम शुरुआत करें उत्तर प्रदेश से, ये यहां पर का जो हम लोकेशन बताए थे ये कौन सा राज्य था, ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जो एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला झारखंड से सटती है जिसका नाम है सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो झारखंड के गढ़वा जिला से सटती है। दूसरा हम लोगों ने इस तरफ में देखा है कौन सा राज्य है, इसके बाद में छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ का दो जिला, गढ़वा का एक जिला, छत्तीसगढ़ का दो जिला झारखंड से सटती है। यदि आप लोग देखें तो यहां से यहां के बीच में एक जो मिलेगा जिला वो है जसपुर, और इस स्थान से इस स्थान के बीच में जो मिलेगा इसका नाम है बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ के दो जिले जसपुर और बलरामपुर आपको झारखंड से सटा हुआ मिलेगा। यदि हम नीचे बात करें तो उड़ीसा का तीन जिला झारखंड से सटा हुआ है, आप लोग इस लोकेशन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर जो जिला है सिमडेगा के पास में आपको मिलेगा, इसका नाम है सुंदरगढ़। और इसके बाद जो जिला है वो है केंदुझर, और इसके बाद में जो यहां पर जिला है वो है बारीपद। तो हमें तीन जिला सुंदरगढ़, केंदुझरगढ़ और बारीपद जो है, ये तीन बारीपद या बारीपदा इसको भी कहते हैं, ये बारीपदा जो जिला है ये तीन है जो उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। इधर यदि हम वेस्ट बंगाल की तरफ देखें तो इधर से हमें 6 जिला मिलता है वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का सटा हुआ झारखंड से। यदि हम यहां पर देखें तो इस जगह पर आपको मिलेगा झारग्राम।
इस जगह पर कौन सा जिला है? झारग्राम है, जो पूर्वी सिंहभूम से सटा हुआ है। जो सबसे लंबी डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर करेगा झारखंड का वेस्ट बंगाल का, वो है पुरुलिया, पुरुलिया जिला। यदि आपसे एक एक प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि बताओ रांची जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वो वेस्ट बंगाल के किस जिले से सटा है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सटा है, क्योंकि इस जगह पर का जो लोकेशन आपको मिलेगा झारखंड में वो रांची का मिलेगा। इसके बाद में जो आपको इसके ऊपर में जिले मिलेंगे यहां पर, इस जगह है पश्चिमी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, इसके ऊपर में है बीरभूम, और इसके ऊपर में है मुर्शिदाबाद, और इसके ऊपर में आपको मिलेगा मालदा। आपको पता है आम के लिए फेमस है, आम की एक प्रजाति भी है। तो कुल मिलाकर के 6 डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल का झारखंड से सटी है। और यदि हम बिहार का देखें, अपना प्यारा बिहार, इसका 8 जिला झारखंड से सटी है। यदि हम देखें तो यहां पर आपको मिलेगा रोहतास, इसके बाद में जो आपको मिलेगा वो है औरंगाबाद, इसके बाद में आपको जो मिलेगा वो है गया। यहीं से प्रश्न था कि ये चतरा है और कौन सा जिला सटा है, वो गया था। और इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो इसके बाद आपको नवादा मिलेगा, नवादा मिलेगा, फिर जमुई मिलेगा, जमुई के बाद में एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा ये बांका मिलेगा, और कुछ क्षेत्र यहां पर है भागलपुर भी मिलेगा, और फिर यहां पर कटिहार मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बिहार का 8 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल का 6, उड़ीसा का 3, छत्तीसगढ़ का 2 और यूपी का 1, कुल मिलाकर के 20 जिला जो है वो झारखंड से सटती है। और इस प्रकार के यहां पर तमाम तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और जिसका आंसर ढूंढने में आप लोग काफी आसानी से आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास था बेसिक डिटेल्स झारखंड में इनकी चौधरी को लेकर के, वो यही थी। और आगे भी हम जो क्लास बताएंगे उनमें से झारखंड के अंदर के जिले के बारे में बताएंगे कि झारखंड का जो 24 जिला है, ये 24 जिले का अवस्थिति कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, और इसका गठन कब किया गया है। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो, ये डिस्क्रिप्शंस आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम्स के लिए या बेनिफिशियल लग रहा होगा, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे सब भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।